चलिए एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं अनुराग जायसवाल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आपके बी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर में है और इससे भी काफ़ी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है, टॉपिक है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का पार्ट वन लेकर हम आए हैं 30 क्वेश्चन के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप बताइएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब सही सही दिया। मैं कमेंट सेक्शन में आपके इन सवालों के जवाब का इंतजार करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आपके सामने आपको बताना है कि बैक्टीरिया, चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये आपका दोनों ऑप्शन सही है। यूनिसेलुलर भी होता है और सेलवॉल भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया इज अ मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं बैक्टीरिया, कंपोजिशन क्या होता है बताइए। ठीक है, या उसमें वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट और गैस, तीनों चारों फॉर्म होते हैं, यानी ऑप्शन बोथ सी सही है। फिर से यानी ए और बी दोनों सही है। बात करेंगे तीसरा, ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट, सभी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इनमें से एक को छोड़कर, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपने सुना होगा, कौन से हैं इसमें से एक को छोड़कर बता दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, ई कोलाई, एसर्सिया कोलाई को छोड़कर बाकी सारे स्पीसीज जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। फोर, द आयोडीन यूज इन द ग्राम स्टेरिंग सर्व्स एज, ठीक है, आपने ग्राम स्टेरिंग पढ़ा, उसमें आयोडीन यूज करते हैं, वो उसका काम क्या होता है, किस तरह यूज करते हैं उसको ग्राम स्टेरिंग में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, वो आपके काम करता है मॉडरेंट की तरह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया फिलामेंटस है, यानी कि ट्यूब सेप, यानी लंबा एक धागेनुमा तंतु सेप होता है। तो जी हाँ, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपके एक्टिनोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कंसिडर एज अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस के बीच के लिंक किसे बोलते हैं, कनेक्टेड लिंक। तो इसमें से देख लीजिए कौन से बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो वेलडेस डेवलप है बैक्टीरिया और वायरस से थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। जी हाँ, ये प्यारे आपके होते हैं माइकोप्लाज्माज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर, इसमें से कौन से बैक्टीरिया कॉर्क स्क्रू शेप्ड होता है, राइट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग सही। बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है, बहुत ही अच्छे। जी हाँ, और ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पायरोचैट्स। एट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल, आपके ऑप्शंस देख लीजिए कौन से सही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द पेप्टिडोग्लाइकॉन। नाइन, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला, आपको सही जवाब देना है। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं फ्लैजेलिन। 10, द रीजन वेयर बैक्टीरियल जीनोम रिसाइड्स अ टर्म इज टर्म्ड एज, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं जीनोम्स को, जी हाँ उन्हें न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि वो प्योर न्यूक्लियस डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, लेस डेवलप न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज, ठीक है, आपको बताना है कैसे होते हैं, या वेरी गुड, एंड दे आर द SSDNA, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर DNA। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं, दिस इज द डबल स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। ग्राम स्टेनिंग वॉज डेवलप्ड बाई, किस साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग डेवलप किया था, तो देख लीजिए कौन सा साइंटिस्ट है, ग्राम होंगे तो निश्चित है ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा, और वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, यहाँ वो ऑप्शन नंबर सी सही है, डेनिस फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम। 13, द ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल एसिड है, किस तरह की स्टेनिंग है ये, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस इज द डिफरेंशियल स्टेनिंग। 14, द ग्राम स्टेनिंग वॉज डेवलप्ड इन, किस सन में ग्राम स्टेनिंग डेवलप किया गया था, बेसिकली इट वॉज डेवलप्ड इन 1883, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 15, द मोस्ट कॉमन स्टेन यूज इन ग्राम स्टेनिंग इज, कौन सा कलर यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में, सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, उसमें सेफ्रेनिन और क्रिस्टल वॉलेट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16, द काउंटर स्टेन यूज इन द ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन के रूप में किसे यूज करते हैं, कौन सा डाई को यूज करते हैं, तो ये सबको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आया था जवाब, जी हाँ वो है हमारा सेफ्रेनिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17, इन ग्राम स्टेनिंग द एल्कोहल एक्ट्स ऑन, 17 एंड द राइट ऑप्शन इज सी मेम्ब्रेन लेपिड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 18, लाइपोपॉलीसेक्राइड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, 18 एंड द राइट ऑप्शन इज द बी, बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। 19, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, किस तरह यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में हम लोग आयोडीन को, तो बिल्कुल सही जवाब आपने चूज किया, दिया था मॉडरेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 20, व्हाट इज कीमोटैक्सिस, कौन सा कीमोटैक्सिस होता है, आपसे चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए कौन सा कीमोटैक्सिस है, और सही जवाब आपको देना है। जी हाँ, भारी भरकम जो लग रहा है वही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड स्विमिंग टूवर्ड्स अवे ऑफ बैक्टीरिया। 21, IMVIC इज द न्यूमेटिक फॉर, न्यूमोनिक फॉर, ठीक है, आपको बताइए कि IMVIC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे,
किसका ये एब्रीवेशन है और इसका सही जवाब आपके सामने है। जी बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडोल मेथिल रेट बीपी साइट्रेट। 22 व्हाट ऑर्गेनिज्म इज IMVIC पॉजिटिव प्लस प्लस माइनस माइनस एंड द राइट ऑप्शन इज फेमस इसर्सिया कोलाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 बंच ऑफ कोकाई कॉल्ड एज, ठीक है बंच ऑफ कोकाई को हम लोग क्या बोलते हैं। 23 एंड द राइट ऑप्शन इज कॉल्ड स्टेफिलो कोकाई, स्टेफिलो बड़े बंच होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आर, ठीक है इसमें से कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड है। 24 देख लीजिए, जी हाँ बिल्कुल फिजिकल केमिकल मेडिकल ड्राई रेडिएशन सभी मेथड हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 अ फुली असेंबल्ड इन्फेक्शस वायरस इज कॉल्ड एज, असेंबल्ड है और इन्फेक्शस वायरस है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है बहुत ही खतरनाक होते हैं इनको वीरियंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 26 द पर्पज़ ऑफ स्टेनिंग इज टू डिमॉन्स्ट्रेट, हम किसी भी बैक्टीरिया की पर स्टेनिंग क्यों करते हैं, क्या पता लगाने के लिए, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है हमको। जी हाँ इनमें से सब कुछ सब करना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरेंजमेंट क्या है, साइप क्या है, साइज क्या है, सब कुछ देखना होता है। 27 इफिशियंसी ऑफ हेपा फिल्टर इज, कितना होता है इफिशियंसी हेपा फिल्टर कितनी होती है, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, और इसका सही जवाब है 99.97%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 28 टेस्टिंग विच कंफर्म्स दैट प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म नोन एज द, किस टेस्टिंग में हम पता करते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया फूड मटेरियल है वो पूरी तरह से प्योर है, इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, आप जानते हैं उसे बोलते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 29 द स्टेन विच डिफरेंशिएट टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर इज नोन एज, नोन एज एंड द राइट ऑप्शन इज सी डिफरेंशियल स्टेन। 30 रेडिएशन यूज्ड फॉर कोल्ड स्टेराइजेशन आर एंड द राइट ऑप्शन इज बी गामा रेज, ये रहे आपके आंसर। और ये है मिस कृतिका सिंह फ्रॉम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, इनका कॉलेज है देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च देहरादून उत्तराखंड। कृतिका जी थैंक यू सो मच, आपके क्वेश्चन के कलेक्शन बेहतरीन है, और स्टूडेंट्स अगर आप लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं तो मैं बता दूं इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है बायोलाइफ के नाम से, जिसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से बहुत ही अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाती हैं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके वीडियोज़ से, तो आप लोग भी इनकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, बायोलाइफ के नाम पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं कृतिका जी को। और अगर आप लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप gpat.kclpharmacy.com पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या सब्जेक्ट को चूज करके आप MCQs खुद भेज सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे मुझे इस आईडी के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। तो कितने सवालों का जवाब आपका सही था आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके सवालों का वेट कर रहा हूँ जवाबों का। थैंक यू सो मच।